नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आज के रहस्यमय प्रोग्राम में हम बात करेंगे 500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो द विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो कि आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मोनालिजा, आखिर ऐसे क्या राज छिपे इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय सबसे फेमस पेंटिंग बनाती है? अगर दुनिया में कोई सबसे रहस्यमय पेंटिंग है तो वो है मोनालिजा की पेंटिंग। लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग दुनिया भर में सबसे रहस्यमय पेंटिंग है। दुनिया भर वैज्ञानिक भी मोनालिजा की पेंटिंग रहस्य जानकर आश्चर्य में है, क्योंकि इस पेंटिंग में दुनिया भर के विज्ञान के नियमों को फेल कर दिया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मोनालिजा की पेंटिंग का रहस्य क्या है और मोनालिजा पेंटिंग के रहस्य से जुड़ी कुछ बातें जो आपको शायद ही नहीं पता होगा। दुनिया में कितनी भी मशहूर और अच्छी पेंटिंग हो, लेकिन मोनालिजा पेंटिंग के आगे टिक नहीं पाती। म्यूजियम में कोई पेंटिंग्स क्यों होती है, सभी की नजर इसी पर होती है। मोनालिजा न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। इस रहस्य को जानने के लिए काफी पेंटर्स और लोगों ने इस पर काम किया, लेकिन इसका सच का पता किसी को नहीं लग पाया। 500 साल पहले दा विंची ने इसे बनाया था। इस पेंटिंग की मुस्कान को लेकर कई तरह के रहस्य सामने आए। कहा जाता है कि इस चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल दिखाई देती है। पहले ये काफी ज्यादा दिखाई देती थी, धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगी है, आखिर में तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिजा का मतलब माई लेडी होता है। इस पेंटिंग के साथ कई तरह के और भी रहस्य जुड़े हुए हैं जिन्हें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 23 जून 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुस मास्परो ने पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिजा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिजा के प्यार में पागल है। उसने कई सालों तक उसका इंतजार किया। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते रहते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर तक छोड़ के जाते हैं। माना जाता है कि इस पेंटिंग के लिए जिस महिला को चित्रित किया गया है उसके अंदर कई तरह के राज छुपे हुए थे, इसलिए यह पेंटिंग भी इतनी रहस्यमय है। शायद यही कारण है कि आज तक पेंटिंग की मुस्कान भी एक रहस्य बनी हुई है। रिसर्च के दौरान एक डॉक्टर ने कहा था कि मोनालिजा के ऊपरी दो दांत टूटे हुए थे जिसके कारण उनकी ऊपरी होंठ अंदर की तरफ दबे हुए हैं। यही कारण है कि इसे हर एंगल से उनकी स्माइल अलग दिखती है। वहीं हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गेट ने कहा कि मोना की स्माइल नहीं बदलती है, यह हमारी दिमाग की सोच है। हम जो देखना चाहते हैं वो हमें वही दिखाई देता है। तो विंची को इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग में इनके होंठ बनाने में ही इन्हें 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक की गई थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन आपको बता दें कि काफी छोटी है। ये 32-21 इंच की है। इसके भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवास पे नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पे ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। ये पेंटिंग पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन रिजलो म्यूजियम पेरिस से चोरी होने के बाद ये काफी फेमस हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद ही पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पे गया था। उनसे काफी पूछताछ की गई, बाद में उन पे से ये इल्जाम हटा दिया गया। इसके चोरी के बाद एक हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूजियम के अंदर हो। काफी खोजबीन के बाद पता लगा कि इस म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विसोंजी पेरुगिया ने चोरी किया था। वहीं इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उसकी देशभक्ति के लिए उनका स्वागत किया। कहा जाता है कि विंची के ही एक स्टूडेंट फ्रेक्सिको मेलजी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसो द प्राडो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच में उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिजा के एक न्यूड वर्जन बनाया था जिसकी हाथों और बॉडी का पोजीशन बिल्कुल असली पेंटिंग की तरह था। इसे मोना वाना कहा जाता था। शायद यह पेंटिंग लियो ने ही बनाई थी।
विंची पेंटर होने के साथ खुद एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, नहीं कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। स्कॉलर्स का मानना है कि ये पेंटिंग लिस देहरादेनी की है, जो फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिजा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह जर्मन लोगों के साथ में ना आए। इसके बाद पेंटिंग को लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका, जिसकी वजह से इसके बाएं बाजू में निशान पड़ गया। इसके बाद इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिजा की आईब्रोज और आईलेसेस नहीं दिखती। अब सवाल उठता है कि दा विंची ने मोनालिजा की आईब्रोज और आईलेसेस क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने यह पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलेसेस क्यों नहीं बनाई थी। तो उन्हें पता चला कि उन्होंने दरअसल ये बनाया था, लेकिन ये समय के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। सन 2003 में अमेरिका लेखक डैन ब्राउन का एक नॉवेल आया जिसका नाम था द डा विंची कोड। इसी पर फिल्म बनी। उस फिल्म में दिखाया गया है कि दा विंची पेंटिंग में सीक्रेट कोड छिपा रखे हैं। हालांकि लेखक ये मानते हैं कि यह फिल्म फिक्शन है, लेकिन बुक में जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी गई ये बिल्कुल सच है, और इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च की। जिसके बाद सन 2003 में अमेरिकन लेखक डैन ब्राउन का एक नॉवेल आया था जिसका नाम था द विनिंग कोड। इस पे एक और फिल्म के बाद पता चला कि इसकी आंखों में कुछ कोड छिपे हुए हैं, लेकिन जितने भी वैज्ञानिक थे वो इस इंफॉर्मेशन को देने में असफल रहे। बता दें कि फ्रांस में हर साल लूर म्यूजियम में करीब 1 करोड़ लोग आते हैं, और उसमें 80% सिर्फ मोनालिसा पेंटिंग को देखना चाहते हैं। हालांकि अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है, जिसका मूल्य करीब 867 मिलियन डॉलर है। इसकी कीमत भारत में करीब 6,400 करोड़ रुपए है। लेकिन आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी, ये कौन औरत थी। अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को दा विंची ने बनाया था, वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर होंगे हाजिर एक रहस्यमय प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।